गाइस ये देखिए ये देखिए क्या है? ये देखिए कितना सारा चींटी है गाइस, ये देखिए। गाइज लुक एट दिस, ये चींटी सब इस बांस के सहारे, इस बैम्बू के सहारे, ये देखिए, देख रहे हैं? ये पंखा के यहाँ पे आ रहा है और पंखा चलने से गिर जा रहा है। अरे शाबाश, कितना सारा है गाइज, देखिए तो बहुत डेंजरस है। तो गाइज मम्मी ये दी है लक्ष्मण रेखा, ये रहा, इसको लगाते हैं यहाँ पे, इससे मम्मी बोल रही है कि भाग जाएगी। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं। ये देखिए सब नीचे गिर रहा है, ये देखिए, बाप रे, बहुत डेंजरस है गुड गाइस। मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। आज सुबह सुबह डुगू को पापा के कराटे क्लास लेके गए हैं, क्योंकि मेरा नींद नहीं खुला था। 6:30 बजे से ही क्लास है। अगले संडे को पता चला कि 6:30 बजे से क्लास है, तो इस संडे को पापा को बोले कि आप लेके जाइए, मैं लेके आ जाऊँगा। तो अभी फटाफट चलते हैं डुगू को लेने के लिए। पहले पापा से फ़ोन करके पूछते हैं, क्योंकि पापा अगर वहीं पर होंगे तो ला जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो गैस देखिए ये काट लिया है मेरे को, ये फूल गया पूरा संग संग, इतना सारा सीटी मारे वो, देखिए गैस, जस्ट लुक एट माय बेड, देख रहे हैं अभी भी जिंदा है, आधा आधा कट गया फिर भी जिंदा है, सब नाच रहा है। ऊपर में लक्ष्मण रेखा लगा दिए हैं। इसको देखिए, इसका डांस देखिए गैस, इसका डांस देखिए, इसका डांस देखिए। हेलो गुड मॉर्निंग बोल दो ब्लॉग में। तो गैस पहुंच गए डुगू के कराटे क्लास हम, और अभी तक छुट्टी हुआ नहीं है। बट गाइज लुक एट द व्यू इसे कराटे क्लास का। तो गाइज लास्ट संडे को मैं बोला था कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, जिसके लिए बहुत सारा फ्लावर प्लांट आया था, सॉरी फ्लावर प्लांट नहीं, ऐसे पेड़ आया था, सैपलिंग्स। तो ये देखिए ब्लड डोनेशन का चार्ट, तो वो सैपलिंग्स में से गाइज बहुत सारा सैपलिंग्स बच गया है, चलिए आपको दिखाते हैं। वो देखिए वहाँ रखा हुआ है, ये देखिए गाइज कितना सारा सैपलिंग्स रखा हुआ है। तो जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप करवाया था, मैं उनसे पूछा कि मैं थोड़ा सा सैपलिंग्स ले सकता हूँ, यहाँ से छोटे छोटे प्लांट्स ले ले सकता हूँ, तो बोलता हाँ आप तो हो गया, अब तुम ले सकते हो। यहाँ से आज कुछ लेके जाएंगे प्लांट्स, तो अपने लिए कितना फ़ायदा हुआ गाइस, नीम का पेड़ भी आ गया और यहाँ से भी थोड़ा सा सैपलिंग्स मिल गया, तो अभी कुछ दिनों तक पेड़ खरीदने का झंझट से दूर रहेंगे। तो गाइस ये देखिए सारा प्लांट सब सूखते जा रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए सब सूख गया, बट जो सूख गया हम उसी को लेके जाएंगे, ओपन वेदर में रखेंगे तो शायद ज़िंदा हो जाए। देखिए सब छोटे छोटे प्लांट है, ये सब बड़े होंगे नहीं, तो अपने को बड़ा प्लांट चाहिए। ये देखिए जो बड़ा प्लांट है वो सारा सूख गया है, तो अभी हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं कौन सा लेके जाना है, और अपने को कैरी पैकेट भी मिल गया वो रहा, तो फटाफट शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो गाइज आपको और एक चीज़ दिखाते हैं डू कराटे क्लास में, ये देखिए, ये देख रहे हैं ये पलास का पेड़ है, ये देखिए गाइज कब का काटा गया था इसको, अभी इसमें नया पत्ता सब निकल रहा है, ये देखिए एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है, देख रहे हैं ताज़ा ताज़ा पत्ता निकल रहा है। तो यहाँ पे पत्ता निकलने का मेन कारण है बिकॉज यहाँ पे मॉइस्चर है, सामने तालाब है, और इस जगह में बहुत सारा वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जिसके वजह से ये फिर से जन्म ले रहा है। तो वैसे पहले फटाफट इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जो पेड़ अपने को लेना है। एक दो दो, एक तीन तीन, और एक चार पांच पांच, और ये एक छह, छह एक सात, ये सब मेहोगनी का पेड़ है गाइस। तो गाइज ये 13 प्लांट अपने सॉर्ट कर लिए, सॉर्ट आउट कर लिए हैं, इन 13 प्लांट को लेके जाएंगे, और ये सब छोटे छोटे प्लांट्स हैं गाइज, ये सब बैंकों में लगाए जाते हैं, डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं, तो ये सब अपने नहीं लेंगे, अपने ये सब लेंगे जो जो आधा से अधिक सूख गया है, तो इसको कोशिश करेंगे ओपन स्काई में रखने के लिए, ताकि ये फिर से ज़िंदा हो जाए। तो गाइज अपने सॉर्टिंग कर लिए सारे प्लांट्स का, ये देखिए प्लास्टिक में डाल लिए हैं, और डुगू के छुट्टी होने का वेट कर रहे हैं कि जब उसका छुट्टी होगा उसको लेके प्लांट्स सब लेके चलेंगे। तो गाइज इन प्लांट को उठा के, नहीं तो ये सब मर जाएंगे, इनको उठा के हम लोग ओपन स्काई में रख दे रहे हैं, ताकि ये सब जिंदा रहे और बड़ा होते रहे, यहाँ रहेगा तो मर जाएगा। A few moments later.
तो गाइज फाइनली डुगू का छुट्टी हो गया, 8:30 बज रहा है, इतना लेट से आज छुट्टी हुआ और वो आके देखिए मेरा हेल्प करने लगा। क्या बात है, ये देख रहे हैं हम सारा प्लांट वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किए गाइज उसकी कोच की वाइफ के साथ, मैम के साथ, तो ये भी आ गया, तो इसको घर लेके चलते हैं और सारा प्लांट भी ले लेते हैं। तो गाइज घर पहुँच गए हैं और डोडो क्या लेके आया देखिए, पास्ता मसाला, अभी वो पास्ता नाश्ता करेगा, पास्ता नाश्ता पास्ता नाश्ता और साथ में पनीर, पनीर है वो। तो गाइज मेरी मम्मी को देखिए वो क्या काट रही है, ये क्या है, ये जंगली साग होता है ना स्पिनेच, वो काट रही है। तो गाइज चलते हैं, पहले तो प्लांट्स को ठिकाने लगाते हैं क्योंकि प्लास्टिक में वो जैसा तैसे उसको लेके आए हैं। और ये देखिए क्या हाल है। और गाइज और एक चीज, ये कड़ी पत्ता का डंटी मिला मेरे को कड़ी के पेड़ का, जिसको यहाँ पे लगा देते हैं अगर हो जाए तो। इसको यहाँ लगा देंगे, पहले तो ये प्लांट सबको निकालते हैं। और गाइज सबसे बड़ा बात क्या है पता है, ये देखिए सबसे अच्छा प्लांट मेरे को ये मिला मेगोनी का, ये जिंदा एकदम ताज़ा, तो सबको यहाँ पे रख देते हैं। तो गाइज अपना काम हो गया और हरा प्लांट को यहाँ पे रख दिए हैं, ये अपने आंगन के बाहर नीम के पेड़ के पास, अब देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट होता है इन सब में। काम कर रहे थे ये, फ्रेश होके आके देखिए, ये देखिए क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हो पास्ता शाबाश, तो फोन रख दो ना, पहले खाना स्टार्ट करो बाद में फोन देखना। हेलो, उसको फोन मिल गया है, एटलीस्ट आधा से एक घंटा लगेगा खाने में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, एक एक करके ले रहा है और फोन देखे जा रहा है, एक एक करके ले रहा है मतलब समझ रहे हैं कितना सारा है, एक घंटा से ऊपर लगेगा ही। हाँ डोडो, हाय डोडो, एक घंटा से ऊपर लगेगा ना, मैं इसको खिलाना चाह रहा हूँ बट ये देखिए चम्मच दो मेरे को, नहीं चम्मच दो, तुम फोन ही देखो तो मैं खिला देता हूँ, नहीं दो मैं खिलाता हूँ। सुबह से गाइस इससे तो मिले नहीं, एक बार इनसे भी मिल लीजिए, ये देखिए हेलो, ब्लॉग में हाय कर दो, ब्लॉग में हाय कर दो, हाय कर दो। तो गाइस फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है और एक चीज़ दिखा रहे, कल रात में जो नारियल लेके आए थे इसमें पेड़ निकल गया था, उसको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रख दिए हैं, ये देखिए। अभी आज प्लांट करने का मौका नहीं मिला गाइस क्योंकि इतना सारा प्लांट ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, तो जब मौका मिलेगा टाइम मिलेगा तो इसको भी प्लांट कर देंगे, इसको सिर्फ गड्ढा करके डाल देना अभी गड्ढे में। तो फटाफट नाश्ता करते हैं और दुकान के लिए निकलते हैं। तो गाइस अपना नाश्ता आ गया है, पूड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सॉरी, और ये किस है, काबली चना का सब्जी। तो गाइस बारिश की वजह से रेनकोट निकालना पड़ा, रेनकोट पहन के चलते हैं दुकान, अभी दुकान जाने टाइम में बारिश आना था। तो गाइस अगले ब्लॉग में आप देखे होंगे कि यहाँ पे मेरे दुकान के बैकयार्ड में कितना सारा प्लांट हुआ है, ये देखिए नीम का प्लांट हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, और गाइस वो देखिए, और जामुन का प्लांट हुआ है गाइस, ये देखिए एक जामुन का प्लांट तो गाइस मेरे से अनफॉर्चुनेटली गिर गया था, तो काका को बोल दिए हैं कि आप काइंडली ये सबको उखाड़ के फेंकेगा मत, तो काका बोल रहे हम एक नीम का पेड़ मेरे पास हुआ है और एक लेके क्या करेंगे, हम बोले थोड़ा सा बड़ा होने देना हम लेके चले जाएंगे बट आप उखाड़ के मत फेंक। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं और एज एवरी संडे आज भी डूडो को निकल लेके घूमने जाना है, तो ही इज रेडी, अरे वाह, तो कहाँ जा रहे हो जल्दी से ब्लॉग में बोल दो। तो गाइस जस्ट ऐसे मार्केट जा रहे हैं, वाइफ का थोड़ा मन था बाहर घूम के आने का, तो हम लोग तीनों जन जा रहे हैं, छोटा बेटा घर पे ही छोड़ दे रहे हैं, तो फटाफट चलते हैं घूम के आते थोड़ा सा उसका दुकान चलेंगे। अगेन हम लोग चप्पल के दुकान में आए हैं, मम्मी और पापा के लिए चप्पल खरीदी है, डुगू आगे यहाँ पे जबरदस्ती कर रहा है कि इसको भी नया चप्पल, डुगू क्या लिया देखा,
ये गाइस डुकू ये लिया है, उसको जूता नहीं दिलवाया है तो ये यहाँ से घर पहुँच गए हैं। टाइम देखिए 7:22, आज संडे है तो दुकान जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर। और वो देखिए डोडो क्या लेके आए, आते ही गेट पे लेके बैठ गया। मम्मी शाम दी है गाइस, हमारे गोपाल जी से मिल लीजिए, ये रहे हमारे गोपाल जी। और गाइस ये रहा जूता, ये मैं अपने लिए लिया हूँ, ये मम्मी का और ये पापा का और वो डोडो का। डोडो ब्लॉग में गुड नाइट बोल दो। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इंस्टाग्राम क्लिक कीजिएगा, हो रहा है फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। और मैं डेली ब्लॉग कैसा लग रहा है गाइस कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।